चेहरे पर चाहिए इंस्टेंट रेडियंस, तो आज ही ट्राई कीजिए चुकंदर का ये होममेड ग्लो सिरप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक अमेजिंग बीटरूट ग्लो सीरम। यू नो ऑल्सो बीटरूट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्किन टोन, एंड इसके अंदर होता है विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन डी। साथ ही ये आपके ब्लड प्रोडक्शन को बेहतर करता है, बल्कि आपके स्किन के लिए एक अच्छा सा रेडियंट ग्लो आपको देता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो इस सीरम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे आप स्पॉटलेस फेयर स्किन पा सकते हैं, और साथ ही साथ ये लंबे टाइम तक आपकी स्किन को यूथ और ग्लोइंग भी बनाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे आपको इस सीरम को बनाकर रेडी करना है। इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए बीटरूट को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे हम। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रेट करना है, और इसको आप कद्दूकस कर सकते हैं और इसका जूस निकाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन होता है बीटरूट जूस को निकालने के लिए। अदरवाइज अगर आप किसी और तरीके से इसको निकालना चाहते हैं तो वो भी आप तरीका ले सकते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्टली इसको स्ट्रेन कर लूंगी एक बॉल के अंदर। आप चाहे तो स्ट्रेन की हेल्प ले सकते हैं, बट यहाँ पर इजीली ये बहुत ही इजीली जूस निकल जाता है इस तरीके से। उसके बाद गाइस, ये बीटरूट जूस हमारे पास रेडी है, और लगभग 2 चम्मच बीटरूट जूस हमारे पास है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर ग्लिसरीन के अंदर होता है काफ़ी सारा मॉइस्चर, जो कि आपकी स्किन को डीपली ग्लोइंग बनाता है। साथ ही ये एज अ हाइलोरोनिक एसिड काम करता है। उसके बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं पपाया जेल। आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, बट फिर इसकी शेल्फ लाइन थोड़ी सी कम होगी और ये कम टाइम तक हम स्टोर कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं ये पपाया का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक सीरम कंसिस्टेंसी में हम बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी लम्स इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। ये सीरम आपकी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो आएगा, डल स्किन ब्लैमिशेस, चेहरे के स्पॉट्स भी दूर होंगे, स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन और लॉन्ग लास्टिंग शाइन करेगी। सो देखिए, ये अच्छी तरह से हमारा सीरम बन करके तैयार है। अब गाइज, आप इसको स्टोर कीजिएगा किसी ग्लास कंटेनर के अंदर। बहुत से लोग इसको प्लास्टिक कंटेनर के अंदर रख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना, आपको इसको ग्लास कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखना है। और देखिए, एक ड्रॉपर की हेल्प से जिसमें आप इसको स्टोर करोगे, और फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से रोज़ाना रात में सोने से पहले आप इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, और इसकी 4 से 5 ड्रॉप लेकर अपने फेस पर अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में मसाज कर लें, और इसको डीपली अपने स्किन में पेनिट्रेट कर देना है। बहुत ही इजीली ये ऑब्जर्व हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से मसाज कर लीजिएगा। सो गाइज, इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत अमेजिंग ग्लोइंग सीरम है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। Thank you.